Really good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. And please confirm whether recording is on or off. तो आप लोग देख सकते हैं recording. चलिए, so today we'll be having lecture number 9. कल ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए, बना आप लोगों से? दिस वाज अ क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू. चलिए मैं कुछ लिख देता हूं पहले, तो यहां पर बताइए बना कि नहीं बना. फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स मैं कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा. एक मिनट भूषण, देखता हूं. एरिया सेम है, हाँ एरिया तो सेम आएगा. फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है ना, कैलकुलेशन के भी आप लोग ये कमिट कर सकते हो कि एरिया सेम. और ये वाला क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं जो मैंने आपको टाइम आ गया भूषण. उसके बाद बाकी पैरामीटर्स आ गए आपके. बाकी कोऑर्डिनेट्स आ गए, मैच हो गए. अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारी सीरीज थी क्वेश्चन की, जहां पर हम वेलोसिटी फील्ड शुरुआत से
माइनस ए वाई जे के आप लेके चल रहे हैं, करेक्ट। और स्ट्रीम लाइन हमने देखी थी कुछ इस तरह से बन रही है यहाँ पर। अब आप जानते हो कि इस तरह की स्ट्रीमलाइंस जब होंगी, सारा डेटा वही दिया हुआ है, तो जो पाथ लाइन होगी आपकी वही होगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर पाथ लाइन, मतलब ये लोकस है एक्स और वाई का टाइम के साथ, ऐसा बोल सकते हो। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू टू ई ए की पावर टी। हमें ये पता है प्रीवियस क्वेश्चन से कि जो एक्स होगा वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 2e की पावर 80। और जो वाई है आपका वो 8e की पावर माइनस, या आपके x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, ये वैल्यू सही दी है। अच्छा एक मिनट रुक जाए, ये क्वेश्चन में t इक्वल टू जीरो पर यहां पर है ये, करेक्ट, गड़बड़ हो जाएगी। t इक्वल टू जीरो पर 1,1 पर है ना, देखो एक मिनट बात, छोड़ो वापस डिराइव कर देता हूँ, 2 मिनट और लगेगा, कोई फर्क नहीं, वापस आ जाएगा ये। देखिए मतलब सबसे पहली बात तो ये कि हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑन एनी वन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, बट जब हम नए कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो ये हाँ, तो मैंने चेंज कर दिया हिम्मत, अभी क्लियर हुआ क्या? मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैंने वही चेक करा, इनिशियल कंडीशन वहां पर 2,8 थी, ये वाली प्रॉब्लम में t इक्वल टू जीरो। सर 2,8 तो इनिशियल पॉइंट है ना सर? हाँ हाँ, तो चेंज कर दिया ना मैंने, वो सही है सर, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं वो सही नहीं है। एक मिनट, वो सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब इनिशियल कंडीशन बदल दी है, ये t इक्वल टू जीरो पर अब ये है कंडीशन आपकी, पॉइंट नंबर 1। यस सर, 1,1 होगा जो था, 1,1 आएगा, ठीक है। अब आप बोलो, अब क्या बोल रहे हो? तो सर अभी मैं दूसरे पॉइंट के लिए देखूंगा, समझिए 2,1 के लिए, 2,1 उसके जैसे जो हाँ, बाकी हाँ बी के लिए, ठीक है। तो वो केस में भी फॉर्मूले में चेंज नहीं आ रहा ना सर? अच्छा नहीं आया, इनिशियल कोऑर्डिनेट वहां पे 2 डाल। ओके ओके सर, ठीक है सर, देखते हैं, मैं सॉल्यूशन दूंगा तो शायद और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन जो दे रखी थी आपको टाइम के साथ, वो दे रखी थी कि t इक्वल टू जीरो पर आपका पार्टिकल 2,8 पर है, x नॉट कॉमा y नॉट। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पर x नॉट लिख सकते हो, यहाँ पर y नॉट लिख सकते हो, और आपकी x और y की इक्वेशन आ जाएगी। बट मैं एक बार और कर देता हूं, चलिए। तो हम जानते हैं कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी होगी यहां पर एक्स, एक्स और वाई डाल दीजिए बस, तो आपको हर एक पॉइंट की वेलोसिटी मिल, हर एक लोकेशन की वेलोसिटी मिल जाएगी। और क्योंकि पार्टिकल भी यहीं पर है, इसी लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, तो ये पार्टिकल की भी वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स, और xp dxp अपॉन ax
dt. जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल मान लीजिए किसी ओरिजिनल पोजीशन एक्स नॉट पे था. अब जनरल एक्स नॉट लेते हैं, जब टाइम टी है तो पार्टिकल टी पर मान. आपका यहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा. लॉन ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए टी एक्स नॉट. और सिमिलरली मैं लिख सकता हूं वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका वाई नॉट ई की पावर माइनस. तो ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई. अब आप इसको यूज करके सब कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? देखिए, एक्स की वैल्यू आपको फर्स्ट केस में दे रखी है. अब एक काम करते हैं, इसे हम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर ए टी यहां लिख लेते हैं. और एक काम करो, क्वेश्चन को सॉल्व वहां करो, यहां सॉल्व करते हैं इस तरफ, ताकि डेटा रहेगा हमारे साथ. सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन 1,1 है. x इक्वल टू 1 e की पावर 80 और y इक्वल टू y नॉट e की पावर माइनस. यहां से आप टाइम निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे टाइम? आपको पता है कि आपकी एक्स पोजीशन है लेट से फॉर एग्जांपल 3/2, तो आपको पता चल जाएगा आपका टाइम कितना होगा. तो ये 3/2 इक्वल टू 1 ई की पावर. एक काम करो, एक्स नॉट ही लेके चलो, उसको बाद में फीड करेंगे बारी में. लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो. 3/2 एक्स नॉट इक्वल टू 80 ई लॉग लॉग. तो टी आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 3/2 एक्स नॉट. तो ये टाइम. अब आपको पता है एक्स नॉट की वैल्यू 1 है. एक्स नॉट 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, टी आ जाएगा आपका लॉन ऑफ 3/2 अपॉन substituting x not equal to t equal to 0. सॉल्व नहीं कर रहा हूं ऐसे. इसे सॉल्व नहीं करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूं. आपका एक बार आंसर मैच करने के लिए मैं देख लेता हूं. ln 1.5 divided by a 0.3 1.35. भूषण कहां गलती की थी? और यहां पर भी तो ये वैल्यू ली थी 0.3 सेकंड इनवर्स. चलिए कोई बात नहीं, 0.35 लिए हो तो आंसर अलग आ रहा है क्या? लॉन 1.5 डिवाइडेड बाय 0.35 तो 1.158 आ रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भूषण चलेगा, समझ गया. हाँ, क्योंकि ए से इंडिपेंडेंट आएगा वो, इसलिए ए कैंसिल होगा. होपफुली ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर मैच हो रहा है. इसलिए मैंने अभी टाइम वेरिएबल नहीं डाले. अब आपको वाई पता, अब आप वाई निकाल लीजिए, वाई पता चल जाएगा आपको. वाई इक्वल टू 1 e की पावर माइनस 80 टाइम है आपका लॉन ऑफ लॉन ऑफ 3/2 और इसे आप डिवाइड करेंगे माइनस 80 अपॉन. ये टाइम है ना आपका, ये पूरा टाइम फीड कर दिया. ए से ए गया तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 2/3, right? E की पावर माइनस 3/2 इज 2/3.
क्योंकि बाबा लॉन 3 वेट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन चेंज नहीं करा ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना। दिस इज 2 वेट राइट। चलो इस तरह से आप बाकी को यू कैन कैलकुलेट ऑल द रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स लाइक करिए ट्राई को ट्राई करिए इसको थोड़ा कर देता हूँ डेटा तो इस करिए गया। देखिए चलिए अब टेबल बना लेते हैं। x इक्वल टू x नॉट e की पावर 80 ये हमारी पाथ लाइन है और y इक्वल टू y नॉट e की पावर माइनस 80 हमारी पाथ लाइन। अब यहाँ पे टाइम पहला जो 1.1 था आपका वो तो आ चुका है, ये तो दिया हुआ था आपको 3/2 और ए टू। चलिए नए पॉइंट की तरफ चलते हैं। नया पॉइंट है 1.1 और इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे। टाइम अब आपको पता है तो आप लिख लीजिए इसको एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर 80। ई की पावर ए इज लॉन 3/2 80 ना, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू x नॉट टू बाय नहीं 3/2, ये तो माइनस नहीं ना, तो 3/2 इसे ध्यान रखना। और यहां पर आ जाएगा आपका y इक्वल टू y नॉट टाइम फीड कर दीजिए बस। अब x नॉट और y नॉट चेंज होते जाएंगे आपके। अब 1.2 के लिए x नॉट क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा 3/2 और ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। नहीं 3 नहीं, ये है 2, तो 2 2 4, यहां 2 डालोगे ना, यहां 2 डालोगे तो 2 2 4/3 इस इक्वेशन में डालोगे। फिर है 2.2 के लिए यहाँ 2 डलेगा तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ 2 डलेगा तो ये वापस से 4/3 हो जाएगा। फिर 2.1 नेक्स्ट पॉइंट, 2.1 के लिए यहाँ पर 2 डालोगे तो ये फिर से 3 आ जाएगा और 1 डालोगे यहाँ पर तो ये 2/3। तो ये आ गया आपके कॉर्डिनेट्स। और अब आप चाहें इसे हटाकर रख देते हैं x इक्वल टू, मतलब पहले टाइम निकाल लिया और उसके बाद पाथ लाइन निकाल ली जनरल इक्वेशन पर। पाथ लाइन आगे किसे चला उस पर्टिकुलर टाइम लोकेशन है। और इसे अगर आपको विजुअलाइज करना है
तो ये पहले सिचुएशन थी, 1.1, 1.2, 2. फिर ये हो जाएगा 2.2 और ये हो जाएगा 1. ठीक है, अब नए पॉइंट्स क्या है मार्क कर लेते हैं. 3.2, 2.3 मतलब 1.5. 3.5 और यहां पे क्या आएगा, ये सबके करस्पॉन्डिंग एक पाथ लाइन दोगे, ऐसे स्ट्रीम लाइन. इनके लिए तो सेम ही होगी क्योंकि x y इक्वल टू कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं और फ्लो आप जानते ही हो शुरुआत से ऐसे हो रहा है, स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी ऐसी. तो बस ये पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां आ जाएगा 1.5 2/3, ये वाला यहां चला जाएगा. देखो ना आ रहा है, आना भी चाहिए 2.1 3.2/3. वाई लोकेशन सेम है दोनों. आई होप मैं अकेले कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, ये तो ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, ए बी सी डी क्या लिए थे, ए बी सी डी, ये सी है. ठीक है, ये सी है. तो ए और बी आप खुद ही देख सकते हो कि सिर्फ एक्स लोकेशन अलग है, वाई लोकेशन सेम है, इसलिए ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई. दिस इज 2/3, राइट. इसके बाद सी, सी का क्या हुआ भाई, सी और ये है आपका कितना पॉइंट, 3.1 3, और ये कितना है 1. अब सी पॉइंट आपका कहाँ आया है, सी आया है आपका 3 और 4/3. तो 3 तो यहाँ आ जाएगा आपका, इस लाइन पर देखोगे तो 3 कहाँ आएगा, और ये हाइट ज्यादा बढ़ गई मतलब 4/3, ये सी हो गया. ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी पॉइंट कहाँ है, 3/2 मतलब 1.5 मतलब यहाँ पर, और इसकी वाई लोकेशन क्या है, 4/3. आई होप इट मेक सेंस टू यू. दिस इज योर न्यू डायमेंशन, चेक कर लीजिए इसे कितने 1.5 और ये आपका 4/3, करेक्ट. 4/3 माइनस 2/3 इज 4/3 2/3. तो एरिया हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इक्वल टू 1. और पहले एरिया कितना आया था आपका, पहले भी एरिया 1 ही था, तो एरिया में कोई चेंज नहीं. तो यही है बस काइनेमैटिक्स मेनली देखा जाए तो, ज्योमेट्री ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट वी आर स्टडी. आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करी, मतलब डिफॉर्मेशंस की इक्वेशन यूज करे बिना ही मैंने बहुत ही बेसिक से गया और मैंने एक एक पार्टिकल को ट्रेस किया. मतलब मैंने इस पार्टिकल को ट्रेस किया, फिर इस पार्टिकल को ट्रेस किया, सॉरी ये वाले पार्टिकल को ट्रेस किया, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया. आप समझिए इस चीज को, जितना सोचे इसके ऊपर उतना अच्छा है. और ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया और ये वाला पार्टिकल
इस तरीके से ये पार्टिकल्स ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली और एक नया एलिमेंट क्रिएट हो गया। तो अगर मैं ब्रीफ करूं यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। यूजुअली आपको स्टडी स्टेट फ्लो दिया हुआ होता है एग्जाम में। वैसे ये क्वेश्चन गेट से तो मतलब 10-20 टाइम्स ऊपर जा चुका है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, गेट में अगर आप गेट के क्वेश्चन देखोगे तो बड़े इजी होते हैं, ठीक है। बट काइनेमैटिक समझने के लिए इम्पोर्टेंट। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सी का पेपर भी देंगे तो वहां पर लेवल अच्छा आता है। मैकेनिकल के और सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो पेपर काइनेमैटिक्स का इजी आता है, बट अगर मैं एक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एफएम अच्छा आता है, अच्छे लेवल का एफएम आता है। तो आपने स्ट्रीमलाइंस और आपने वेलोसिटी वेक्टर की मदद से पाथ लाइन निकाली, मतलब अपने वेलोसिटी वेक्टर की मदद से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार क्या है पूरा सीक्वेंस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वेलोसिटी वेक्टर से आप लोग पाथ लाइन निकाल, मतलब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, लोकस निकाल सकते हो पार्टिकल का, दिस इज लोकस ऑफ पार्टिकल बेसिकली। और बस अगर ये निकल गया तो आप डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट लोकेशंस निकाल सकते हो पार्टिकल। कैन बी एस टी और रिवर्स और वाइस वर्स, मतलब डिफरेंट लोकेशन पर पार्टिकल का टाइम क्या होगा, मतलब आपको एक्स पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो, आपको टाइम पता है तो आप एक्स निकाल सकते हो, अगर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता है। तो ये प्रोसीजर है बस, और कुछ नहीं है इस तरह के। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हेमंत, तो क्लियर हुआ आपका जो डाउट था? और भूषण, आपको भी समझ में आया कि क्यों आंसर सेम आ गया, आपने 0.35 लिया तो भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट कि ए कैंसल आउट हो रहा है। तो मतलब आप यहां से इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये जो आपका एक्स है ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आई वांट टू टॉक अबाउट, अब बस सब्जेक्ट पीक पे गया था, मतलब ये सब्जेक्ट का पीक था, आप समझ लो, अब वापस नीचे गिरेगा, मतलब अब वापस इजी हो गया। इजी तो पहले भी था, ठीक है, बट अभी और सिंपल हो जाएगा, अब ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, स्ट्रीम फंक्शंस मैं डिफाइन करने वाला हूँ। स्ट्रीम फंक्शन को फिजिकली समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ही सिंपल है वो भी। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लोस। कल बात करी थी हमने, हमने एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करी थी ओमेगा जेड एज डेल बाय डेल एक्स 1/2, जेड के बाद एक्स आता है, माइनस एक्स के बाद वाई आता है, वाई क्या साथी वी, एक्स का भाई। तो ये तो आपका एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंस। अब रोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है? देखो, रोटेशनल फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल यहां पर डाल देता हूं, फ्लो, ये फ्लो है, फ्लो में मैंने एक पार्टिकल डाल दिया और ये इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, देखिए इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो ये मेरा रोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? ओमेगा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट, अगर यही पार्टिकल ले लूं
दो ये एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन पे है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन दैट कि वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि रोटेशन के लिए ओरिएंटेशन चेंज होना जरूरी है, तो ये रोटेशनल हो गया। और यहां पर ओमेगा जीरो होगा, बस दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन, इतना ही अंडर, यही है बस। अब हम आगे बढ़ते 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 बहुत सारी इक्वेशन डिराइव कर लेंगे इट रोटेशनल फोर्स। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, कर्ल ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी फील्ड वेक्टर। ठीक है, आप पढ़ते नहीं है इंजीनियरिंग में, बट फील्ड थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे वेलोसिटी फील्ड होती है तो सभी फील्ड, फिजिक्स अलग अलग है बट है तो सभी फील्ड। अब फील्ड थ्योरी में कर्ल ऑफ फील्ड वेक्टर डिफाइन किया जाता है, तो यहां पर भी हम कर्ल ऑफ फील्ड वेक्टर डिफाइन करेंगे, ऑल्दो यहां पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है, बट बाकी थ्योरीज में, बाकी फील्ड थ्योरीज में उसका इंपॉर्टेंस आता है, ठीक है, इसलिए हम यहां पर भी उसको पढ़ लेते हैं। तो कभी आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है आपका, कर्ल क्या होता है और इसे हम कहते हैं वोर्टिसिटी, क्या कहते हैं वोर्टिसिटी, कैसे निकालेंगे इसे, आई जे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल यू वी डब्ल्यू, वही यार, एक आई ले लो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन, नहीं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, वही चेक करना कहीं गलती, माइनस डेल वी अपॉन प्लस, नहीं माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल जेड। एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस के क्या डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन, तो ये हो गया आपका वोर्टिसिटी वेक्टर, वोर्टिसिटी वेक्टर। सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब आप जानते हो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ ओमेगा एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड का इधर, वाई का इधर, प्लस ये लिखा है आपका ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई, वाई के बाद आता है एक्स, एक्स के बाद आता है जेड, जेड का वाई डब्ल्यू इधर, एक्स का वाई डब्ल्यू इधर, प्लस ये आप जानते ही हो ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई का भी इधर, एक्स का इधर। तो वोर्टिसिटी वेक्टर फील्ड थ्योरी में, मतलब हमारी वेलोसिटी फील्ड थ्योरी में, ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर आपको कोई कह दे कि वोर्टिसिटी जीरो है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, दैट सिंपली मींस दैट कि आपका फ्लो इरोटेशनल। तो इरोटेशनलिटी को चेक करने के लिए आप कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हो, ये एक और एक ऑब्जेक्टिव के रूप में बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, वैसे ऑब्जर्व करिएगा आज के बाद आप कभी कोई वेस्ट वाटर है अगर आपके पास, ठीक है, वेस्ट वाटर तो क्या करिएगा मैं बताता हूँ। वेस्ट वाटर मतलब जिसको आप डिस्कार्ड करने वाले हो, तो उसको बेसिन में डाल दीजिए, अच्छा थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में डालिएगा ताकि थोड़ा टाइम रहे आपके पास ऑब्जर्व करने के लिए, और कोई भी एक अपने कॉमन सेंस से एलिमेंट डाल दीजिए, ऐसा एलिमेंट डाल दीजिए, अगर वहां पे रोटेशनलिटी होगी तो ये एलिमेंट का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा।
तो ये रोटेशनलिटी बता रहे करके देखिएगा। या कोई स्क्वायर पार्टिकल भी डाल दोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ओरिएंटेशन तो इसका भी चेंज होगा तो दिखेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल थॉट मैंने थॉट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है आपको, करके देखिए और बताइएगा क्या आता है। अब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रीम फंक्शंस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम फंक्शन। देखिए पहले तो 5 से 10, 10 से 15-20 मिनट आप सुनते जाइएगा, फिर सारी चीजें एक साथ समझ में। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है ui कैप प्लस vj कैप, करेक्ट। नाउ वी वांट दैट कि हम इस वेलोसिटी वेक्टर को, ये जो u है ये v है, इसको एक सिंगल फंक्शन में डिफाइन करें। कैसे मैं बताता हूं कि मैं उस सिंगल फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, लेट्स से x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास v आ जाए। और अगर मैं उसे डिफरेंशिएट कर दूं y के रिस्पेक्ट में, टू डायमेंशन में क्यों कर रहे हो? मैं अभी टू डायमेंशन और इनकॉम्प्रेसिबल के लिए ही कर रहा हूं, थ्री डायमेंशन के लिए क्यों नहीं सर, वो बाद में बताएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन रिलीज करूंगा तो समझ में अच्छे से आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहां पर आपके दिमाग में कि सर यहां माइनस क्यों आया, यहां नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां लेके चल रहे, कहीं एक जगह माइनस लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? सब 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 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन must be popping out in your mind, so just wait for 10-15 minutes, I'll be answering those questions. Okay, now, देखिए, ऐसा function define करने का फायदा क्या? पहले तो ये समझिए, इसका फायदा ये हुआ कि हमने u और v को, u and v are expressed as a single function, single function. मतलब u और v अब अलग अलग ना होते हुए, अगर आप आपने अगर साई डिफाइन कर दिया, मतलब आपने u और v डिफाइन कर दिया, तो u और v has been defined by a single function, या are expressed as a single function or defined by a single function. Is that clear? तो ये पहला काम था। बट कोई भी फंक्शन डिफाइन करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ऑल दी वेलोसिटी फील्ड वेक्टर्स मस्ट सैटिस्फाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है फ्लूइड मैकेनिक्स, ध्यान रखिए। अभी तक मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ये लाइन, मैंने कहा होगा ये इंपॉर्टेंट है, बट मैंने ये नहीं कहा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि v वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं v वेक्टर के अंदर इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, है ना? तो ऑल द वेलोसिटी मस्ट सेटिस्फाई, ऑल वेलोसिटी वेक्टर मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। जैसे आपने देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ax i कैप माइनस ay, तुम्हारी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, डेल रो बाय डेल टी प्लस इसको ओपन कर देता हूं आपके लिए, अगर मैं डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट अज्यूम कर, जो कि हमारे पूरे सब्जेक्ट में हम अज्यूम करेंगे, ओनली जब मैं कॉम्प्रेसिबल फ्लो पढ़ाऊंगा तब हम डेंसिटी को वेरिएबल मानेंगे। तो डेंसिटी कांस्टेंट अज्यूम कर ली है मैंने, मतलब फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल, फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब जरूरी नहीं है डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट अज्यूम करिए तो मैं कह सकता हूं फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल। भाई क्या होगा, ये टर्म तो जीरो चले जाएंगे, रो बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है तो, और ये भी जीरो के पास चला जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन, तो ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई इनकम्प्रेसिबल। बहुत ज्यादा यूज में आएगी इसे याद रखिएगा। तो कंटिन्यूटी ये फॉर्म कभी याद नहीं भी रहता है तो फिर भी चल जाता है, बट ये फॉर्म याद होना चाहिए इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो कंटिन्यूटी। ऐसे भी देख लो ना, रो कांस्टेंट बोले होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी आपकी, और ये रो बाहर निकल के इधर चला जाएगा तो ये बी तो आएगा। ये क्या लिखा, ये तो लिखा, ठीक है चलो। तो हर एक इक्वेशन को, कंटिन्यूटी इक्वेशन, हर एक वेलोसिटी फील्ड को इसे सेटिस्फाई करना जरूरी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं देख लेता हूँ, वैसे तो हमारे पास हमारी फेवरेट फील्ड है v वेक्टर इक्वल टू ax i कैप माइनस ay j कैप। इसे सॉल्व करके देखोगे आप तो ये टू डायमेंशन में ये टर्म जीरो हो जाएगी आपकी, तो a माइनस a इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कंटिन्यू तो कोई भी वेलोसिटी फील्ड वेक्टर अगर आप लोगे तो उसे इसे सेटिस्फाई करना होगा। क्वेश्चन के लिए देख रहा हूं कोई और मिल जाए वेलोसिटी फील्ड, इसलिए आर्बिट्री आप कोई भी वेलोसिटी फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं मन में आके लिख गया चलो एग्जांपल ये 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2y j कैप ऐसे कोई डिफाइन कर दी, नहीं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसे, तब जाके वो सही हो, करेक्ट। तो यहां पर बात मैं ये लिख देता हूं कि ऐसे ही भलते ही हम यहां आर्बिट्रेली वी कैन नॉट डिफाइन एनी वेलोसिटी, आर्बिट्रेली One cannot define velocity. It must satisfy continuity equation. ठीक है सर, तो ये बातें यहां क्यों कर रहे हो आप? ये बातें यहां पे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अगर यू और वी कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना चाहिए तो साई को भी कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना जरूरी है इनकम 2D इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो चेक, लेट्स चेक वेदर साई कैन सेटिस्फाई कंटिन्यूटी और नॉट, या किस कंडीशन में वो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा। टू डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है, टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल इक्वेशन होगी आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल, और आप जानते हैं साय का फर्स्ट डिफरेंशियल एक्स के साथ यू वी होगा माइनस वी होगा और वाई के साथ। चलिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं यू और वी की वैल्यू, तो यह आ जाएगा डेल टू साय अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये आएगा माइनस डेल टू साय अपॉन इक्वल टू, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब हमेशा, मतलब अगर आप इस तरह का फंक्शन डिफाइन करते हो कोई भी, चलो मैथमेटिक्स है ये, हाँ ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो दिस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब यहां से एक बेफिक्री तो खत्म हो गई कि अगर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है साई यू और वी के फॉर्म में, मतलब यू और वी को एज अ साई डिफाइन किया है हमने, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वेदर इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी और नॉट, इट विल सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन नेचुरली ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करने का पहला मकसद ये था कि हम वी और यू को एक सिंगल फंक्शन में डिफाइन कर सके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर इसे टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि थ्री डायमेंशन के लिए आप ऐसा फंक्शन ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो तीसरा बच जाएगा,
और अगर आप ऐसा कर देते हो तो फिर आपका नाम फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक्स में छप जाएगा। ऐसा फंक्शन ढूंढ लीजिए आप, ऐसा कोई डिफरेंशियल ढूंढ लीजिए जो UVW के साथ, मतलब UVW को आप ऐसे सिंगल फंक्शन में एक्सप्रेस करो तो साई में जो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर दे। ऐसा नहीं ढूंढ पाओ, ढूंढ पाओ तो बस फिर क्या है, फिर आप कुछ नहीं करना, समझ गए? इसलिए टू डायमेंशन के लिए ही डिफाइन हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है सर ये तो बहुत बेसिक बैकग्राउंड हो गया, अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, क्या इसको यूज क्यों करेंगे? चलो ऐसा कर लिया, वी और यू को सिंगल इफेक्ट फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट, ये भी तो बताया, तो यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे पता है कि जो मेरा स्ट्रिंग फंक्शन है ये फंक्शन है x, y, तो जो भी चेंज होगा इसमें, टोटल चेंज उसमें कुछ चेंज होगा एक साई में x के कारण, तो मैं dx से मल्टीप्लाई, मतलब ये चेंज इन x है, चेंज इन साई ड्यू टू चेंज इन x, दिस इज चेंज इन साई ड्यू टू चेंज इन तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है ना आप लोगों को, ये टोटल चेंज होता है ये बता चुका हूं आपको, और ये चेंज इन साई ड्यू टू एक्स, चेंज इन साई ड्यू टू, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको फिजिकली समझने का मतलब समय आ गया। U और V, तो पहला वाला टर्म माइनस वी डी एक्स। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये भी आता है स्टूडेंट के दिमाग में, सर ये स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, और एक आपने हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्ट्रीम लाइंस, क्या इनका कुछ, ये दोनों जगह स्ट्रीम स्ट्रीम आ रहा है तो क्या इनका कोई रिश्ता है आपस में, आर दे रिलेटेड विद ईच अदर समटाइम्स, और कुछ कंडीशन है? तो चलिए स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन देखते हैं। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या थी, dx upon u equal to dy upon v, तो v dx minus u dy equal to 0। हाँ मैं टू डायमेंशन के लिए लिखूंगा क्योंकि अभी टू डायमेंशन की बातें चल रही, ये स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर आप यहां पे कोई स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यही हमारी वाली स्ट्रीमलाइन बना रहे हैं xy equal to, तो इसकी इक्वेशन ये है, और यहां पे देखिए आप जो साई है डी साई वो जीरो है, मतलब साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अरे इसका मतलब ये हुआ ना इसकी जगह जीरो डाल दो तो साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो आया, मतलब ये आपका इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग, ये स्ट्रीम लाइन है आपकी, फंडामेंटली ये स्ट्रीम लाइन है, और इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, इसलिए वर्ड स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम फंक्शन दिया गया। चलिए सर ठीक है, आई रिपीट, अगर आपको कोई डाउट हो तो ये स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन है आपकी, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पर येलो से, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ स्ट्रीम लाइन प्लॉट कर दी, और अगर आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रीम लाइन पर, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन ये है, ये स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन अगर यहाँ डालोगे तो सेम एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस प्लस भी लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये सेम एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन इज जीरो अक्रॉस द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है सर ये भी बात समझ। अब मेन इसके फिजिक्स के पीछे जाते हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड फिजिक्स बिहाइंड स्ट्रीम फंक्शन। चलिए अब आप लोगों से मुझे
आंसर चाहिएगा, ये पढ़े भी होंगे आप लोग कॉलेज में, जरा आंसर दीजिएगा इस चीज का। मैं भूल गया हूँ, समझिएगा आपको आंसर चाहिए मुझे आपको। मान लेते हैं ये दो स्ट्रीमलाइन कैसे भी ले लीजिए आप, या चलो ये तो आप देखते ही आ रहे हो, ये दो स्ट्रीम लाइन। अब चूंकि ये दो स्ट्रीम लाइन है तो यहां पर साई कॉन्स्टेंट होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 8, और यहां मान लेते हैं साई की वैल्यू, एग्जाम्पल ये दो स्ट्रीम लाइन, दिस इज अ स्ट्रीम लाइन, दिस इज अ स्ट्रीम लाइन। क्या बता सकते हो, और मैं साई डिफाइन कर देता हूं, डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल। क्या बता सकते हो फ्लो इस तरह से है या इस तरह से, फर्स्ट या सेकंड, लगाओ दिमाग। राहुल सेज टू, ठीक है, शिवप्रिया सेज टू, चलिए देखते हैं। यशा सेज फर्स्ट, ओके, भूषण, हेमंत, क्या जवाब देना चाहोगे आप सोचो। रितिक, यस वेरी गुड रितिक, 1, ओके लेट्स सी, कोई एक्सप्लेन कर सकता है अपना आंसर, राहुल, भूषण, शिवप्रिया, यशराज, ऋतिक, एनीवन, चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन देखते हैं हम लोग, चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू स्ट्रीम, हाँ ठीक है, हाँ बोलते जाओ। तो एक्स में डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक पोजीशन से लेके 15-8 हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव है, d psi by dx, तो मतलब v पॉजिटिव होगा, और y में इंक्रीज हो रहा है तो मतलब u पॉजिटिव होगा। x में स्ट्रीम फंक्शन डिक्रीज हो रहा है dr आपका, हाँ सर, तो मतलब नेगेटिव है d psi by dx, हाँ नेगेटिव है तो v पॉजिटिव मतलब, होगा, हाँ v पॉजिटिव होगा, और d psi by dy इंक्रीज कर रहा है 8 से 15। सर स्लो पॉजिटिव है, सर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो वो डायरेक्शन में, किसका स्लोप बोल रहे हो आप, साई फंक्शन का, साई फंक्शन का स्लोप, वी तो साई इक्वल टू कांस्टेंट है, स्ट्रीमलाइन है सर, बट वो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो उसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। कौन ऋतिक बोल रहा है, पहला आंसर किस स्टूडेंट ने दिया था, नाम बताओ, पहला आंसर किसने दिया, यशराज, यशराज बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई सिंपल है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपके दोस्त ने, ठीक है, इसे ऐसा समझिए कि अगर आप इसे हटा दीजिए, अगर आप ऐसा जा रहे हैं यहां से लेकर यहां, तो यहां से यहां तक जाओगे तो आपका x इंक्रीजेस, psi डिक्रीजेस, इसका मतलब ये हुआ डेल psi बाय डेल x इज लेस देन जीरो, और यहां पे डेल psi बाय डेल x क्या है आपका माइनस, मतलब v पॉजिटिव होगा तभी लेस देन जीरो होगा, तो यहां से ये इंटरप्रीट कर लिया हमने कि v इज ग्रेटर। नेक्स्ट ऐसे चले जाओ, अब यहां पर ऐसे चले गया तो साई इंक्रीजेस, सॉरी वाई इंक्रीजेस, साई इंक्रीजेस, करेक्ट, मतलब डेल्स लिख देता हूं मैं, वाई इंक्रीजेस साई इंक्रीजेस, मतलब डेल साई बाय डेल वाई ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो होने के लिए यू नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यू ग्रेटर देन जीरो, तो u greater than 0, v greater than 0, मतलब आपका u greater than 0, v greater than 0, ये कंडीशन, ये u greater than 0 भी होगा और v greater than 0 भी होगा, मतलब आपका फ्लो ये होना चाहिए, this is the direction, याद रखें हमेशा इस चीज को, अगर कुछ भी दिमाग नहीं लगा, यहां पर इमेजिन करो ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का चैनल है और ये आप लेटे पे हो, आप लेटे किस डायरेक्शन में हो, फ्लो की डायरेक्शन में, सॉरी आप स्विमिंग कर रहे हो ना, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये आप स्विमिंग कर रहे ऐसे लेटे हुए हो, टॉप ऊपर से देख रहा हूं, तो जब भी आप जिस डायरेक्शन में आप स्विमिंग करोगे, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसके लेफ्ट में स्ट्रीम फंक्शन इंक्रीज होता है हमेशा, तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं स्ट्रीम फंक्शन इंक्रीजेस टू द लेफ्ट ऑफ फ्लो, तो ये स्ट्रीम फंक्शन जो है आपको फ्लो की डायरेक्शन डिफाइन करने में मदद करेगा, प्लस इसका प्लस फ्लो कितना है वो भी डिटरमाइन करने में मदद करेगा, मतलब फ्लो से पूरा पूरा रिश्ता है इसका, स्ट्रीम फंक्शन इंक्रीजेस टू द लेफ्ट ऑफ फ्लो, सिंपल सी ये क्यों आया, ये इस साइन कन्वेंशन के कारण आया, अगर किसी बुक में साइन कन्वेंशन पलट दिए जाए, प्लस कर दिया जाए वी को और माइनस यू कर दिया जाए तो वो भी गलत नहीं, वो भी कंटिन्यूटी को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देगा, बट फिर स्ट्रीम फंक्शन विल इंक्रीज टू द राइट ऑफ फ्लो, ये गेट में आज तक नहीं पूछा है, गेट इतने लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, असली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कर बना के दिया, कर बना के दे देगा आपसे, पूछ लेगा कि फ्लो की डायरेक्शन बताओ, ऑप्शन दे देगा एक दो और तीसरा बोल देगा पता नहीं सकते हैं आप ए एंड बी बोथ समथिंग लाइक दैट, बोथ आर पॉसिबल, ऐसे तो भी करके ऑप्शन बन जाएंगे। एग्जांपल और देख लेते हैं, ये देखिए मान लेते हैं ये साई इक्वल टू 18 है और ये स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन पर स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा 6, तो बताएं फ्लो की डायरेक्शन किधर है, इधर बिना कैलकुलेशन की बता सकते हो फर्स्ट और सेकंड, मेरे कॉन्सेप्ट से देखो स्ट्रीम फंक्शन इंक्रीजेस टू द लेफ्ट ऑफ फ्लो, बताओ फर्स्ट या सेकंड, एवरीवन, जैन सेज 1, भाई बाकी लोग जवाब दो क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर लो ना, इस डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे अगर ऐसे लेट कर यहां पर तो लेफ्ट में स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा आपका कम होगा, तो वो गलत है, ऐसे लेट के देखो, वन की डायरेक्शन में लेट के देखो, समथिंग लाइक दिस,
तो लेफ्ट में आपका स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वन इज द करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। अगर आप इधर जाओगे, एक्स इंक्रीजेस साई इंक्रीजेस, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये कब ट्रू होगा, जब वी नेगेटिव होगा तभी तो एक्स इंक्रीजेस साई इंक्रीजेस होगा। तो हम जाते हैं कि डेल साई अपॉन डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी इज ग्रेटर देन वी इज ग्रेटर। ठीक है, नेगेटिव आ गया और यू देख लो यू पॉजिटिव आएगा, सिंपल है। यू इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस साई इंक्रीजेस, तो डेल साई अपॉन डेल वाई मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यू, माइनस नहीं होता है यहाँ पर, तो ये ग्रेटर देन जीरो होने के लिए यू ग्रेटर देन होगा। दैट्स इट। तो ये तो आपका समझ में आ गया कि डायरेक्शन, तो ये सब करने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर साइन कन्वेंशन फिक्स कर दिया आपने एक बार, ये वाले साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस, तो ये साइन कन्वेंशन है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है कल से, ठीक है, तो फिर आपका डायरेक्शन लेफ्ट पे होगा जस्ट साइन कन्वेंशन, ये स्पेसिफिक है इसके। लास्ट हम यहां पर देखते हैं स्ट्रीम फंक्शन का एक और इंपॉर्टेंस। मान लेते हैं ये आपका स्ट्रीम फंक्शन है साई वन साई टू, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। ये स्ट्रीमलाइन होंगी और स्ट्रीम लाइंस पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, मतलब अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल टू स्ट्रीम लाइंस वी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यहां पर भी देख लो, वी जीरो होगा परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमेशा जीरो होगा ना। अगर ये कोई भी वेक्टर है आपका एक्स ए या ए वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट जीरो होगा, ए कॉस 90 जीरो, यू नो दैट वेरी वेल, मतलब अब जो भी फ्लो होगा वो इन बिटवीन फ्लो स्ट्रीमलाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो फ्लोस cannot cross ये कोई भी दो स्ट्रीम लाइन्स है, पास पास है, दूर दूर है, इन जनरल मैंने बनाया, मैं चाहता हूं कि इनके बीच में से कितना फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करा। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, नोन नोन क्या है, साई वन और साई टू मेरे पास नोन, और मुझे ये साई वन साई टू जो स्ट्रीम लाइन्स है उनके बीच से मुझे कितना फ्लो निकल रहा है वो पता करना। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली AB, फॉर अ मोमेंट मान लीजिए कि साई वन ग्रेटर देन साई टू, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे फ्लो की डायरेक्शन ऐसी, अभी तो लेफ्ट में स्ट्रीम फंक्शन इंक्रीज होता है, सर सही बात है। तो यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट होगा। अगर ये मेरा वी है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर है बड़ा वाला, तो ये यू होगा और ये। चलो इसकी मदद से हम कुछ आगे काम करते हैं।
देखना। तो ये है हमारा फ्लो। अब हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। छोटा सा जिसकी थिकनेस लेट्स से थिकनेस है dx और विड्थ है b, तो इसका एरिया हो गया bdx। अब यहां से कितना फ्लो जा रहा होगा, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। एक कंपोनेंट आपका x डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आपका y डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ये u। देखिए u के कारण कोई भी फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब इस एक सेक्शन को AB को क्रॉस नहीं कर पाएगा, करेक्ट, सही बात है ना, क्योंकि वेलोसिटी उस पे टेंजेंशियल है। v जो भी फ्लो बाहर आएगा वो v के कारण आएगा, सही बात है। तो यहां पर मैं इस छोटे से एलिमेंट से डिस्चार्ज लिख सकता हूं v bdx, और आप जानते हैं d psi अपॉन dx डेल x इक्वल माइनस v। तो मैं माइनस v dx की जगह लिख सकता हूं यहां पर चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन, इसे इनफैक्ट वन से टू लिख लीजिए या ए से बी लिख लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहां पर आ जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इक्वल टू साई टू माइनस साई, ये माइनस आया, माइनस ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस बताएगा एक्चुअली में साई टू बड़ा है ना, तो ये साई वन माइनस। माइनस प्लस से घबराइएगा मत, माइनस प्लस बस डायरेक्शन अपोजिट करेगा। तो दो अगर आपको यहां पर पता है स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू 18 है और यहां पर 8 है, तो आप बता सकते हो कि इन दोनों स्ट्रीम लाइंस के बीच में जो डिस्चार्ज होगा वो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड पर विड्थ होगा। और अगर आपको इसकी विड्थ पता है चैनल की, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑब्वियसली, तो आप पूरा डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दैट इज अ importance or use of this stream function. Stream functions की values की मदद से आप discharge calculate कर सकते हैं। कोई doubt है इसमें तो पूछ लीजिए। यहाँ पे एक चीज और एक point और ध्यान में रखिएगा, इधर बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये AB है, यहाँ पर मैं कैसी भी एक लाइन में मान लीजिए ये बना, तो जितना फ्लो, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, पूछ सकते हो ना आप ये क्वेश्चन, आपने पूछा नहीं बट मैं बता रहा हूं, ठीक है, काम करते हैं सर इसमें से डिस्चार्ज कितना होगा, तो भाई कोई चिंता करने की बात नहीं, जो एबी से होगा वही बीसी से होगा। सर कैसे, क्योंकि जितना एंट्री लेगा यहां पर एबी से उतना ही तो यहां से एग्जिट भी लेगा। सर क्यों, यहां से बाहर नहीं निकल सकता क्या, कहा यहां से बाहर नहीं निकल सकता स्ट्रीम लाइन, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर भी अगर आप डेरिवेशन करते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। गेट में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, सिविल में आते हैं, मैकेनिकल में तो नहीं पूछे अभी उन लोगों ने, इसलिए मैकेनिकल में पूछ सकते हैं।
मैकेनिकल में आप सब पूछ सकते हैं कि दो स्ट्रिंग फंक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, जैसे क्यू डैश बोल, डैश रिप्रेजेंट्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर यूनिट बिट याद रखिए। बड़ा है चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, 10:21 पे मिलते हैं, अच्छा फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने पर है, पोटेंशियल फंक्शन बताना है मुझे आपको और सर्कुलेशन बताना है, स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के बीच में रिलेशन बताना है। Thank you.
चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे ही एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्यों डिफाइन किया? से स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन किया गया था कि वो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर दे ऑटोमेटिकली, पॉइंट नंबर वन। और उसका फिजिकल इंप्लीकेशन ये था कि वो आपको फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कितना डिस्चार्ज होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको यू मिल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे आपको v मिल जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करोगे आपको w। पॉइंट नंबर, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये थ्री डायमेंशन के लिए डिफाइंड है? हाँ, ये थ्री डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। कॉम्प्रेसिबल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम कॉम्प्रेसिबल फ्लो पढ़ नहीं रहे हैं। थ्री डायमेंशन के लिए आप ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बट सर ये किस चीज को सेटिस्फाई करेगा? दिस विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कंटिन्यूटी, सॉरी कंटिन्यूटी को तो वो करता है कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी, कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी, ये ऑटोमेटिकली कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ओमेगा जेड ले लेते हैं, हमें याद रहता है 1 अपॉन 2 डेल जेड के बाद जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई का भाई भी इसका भाई, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स हम लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहां से लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ऑटोमेटिकली कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपने यू वी को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करा, मतलब यू वी और डब्ल्यू इज कन्वर्टेड टू अ सिंगल फंक्शन फाई सच दैट automatically satisfies conditions of rotation। But यहाँ पर एक बहुत बड़ा question आता है कि सर आप यू वी डब्ल्यू को phi के form में लिख रहे हो, ठीक है, but क्या phi continuity को satisfy करता है? क्योंकि
आर्बिट्रली हम कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं. फंक्शन फॉर फंक्शन टू एग्जिस्ट, फॉर फाई टू एग्जिस्ट, इट मस्ट सैटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन. चलिए चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को. सो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल इक्वल टू जीरो. ये आपकी थ्री डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा? U की जगह साय आएगा तो डेल साय फाय आएगा, सॉरी तो डेल फाय अपॉन डेल एक्स देख सकते हो. डेल टू फाय अपॉन डेल एक्स U की जगह क्या आएगा? डेल फाय अपॉन डेल एक्स. V की जगह आएगा डेल फाय अपॉन डेल वाई, डेल V सॉरी V की जगह आएगा डेल फाय अपॉन डेल वाई, तो ये आ जाएगा. तो ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, नेचुरली तो नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली तो नहीं कर रहा है. इसको हम लिख सकते हैं लाप्लाशियन ऑफ फाई इक्वल टू जीरो. ये लाप्लाशियन ऑफ, इसे बोलते हैं लाप्ला, मतलब तरीका है बोलने का, लाप्लाश लाप्लास इक्वेशन है लाप्लाशियन ऑफ फाई इक्वल टू जीरो. मतलब ये हुआ कि अगर डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू जीरो हुई, इफ दिस इज ट्रू, then only phi exists, and if phi exists then flow is irrotational, because you automatically irrotational automatically satisfy condition of sorry irrotational. यार बोलते भी नहीं दोनों, कुछ गलत लिखते थे. ये रोटेशनलिटी की कंडीशन है ना, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीजें बड़ी आसान लग रही है, वो कभी कभी ऐसा लग रहा है पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो आप जवाब देते नहीं हो ज्यादा और मैं आपको देख सकता नहीं हूँ, तो सब मन से ही समझना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं. बता दिया करो, मुझे पता नहीं होता है कि स्टूडेंट का क्या लेवल है. अज्यूम करना पड़ता है कि ठीक है, अब आप लोग एक रेप्यूटेड कॉलेज से हो तो लेवल अच्छा है आप लोगों का. ठीक है, तो इफ दिस इज ट्रू देन ओनली फाई एग्जिस्ट, एंड इफ फाई एग्जिस्ट फ्लो इज रोटेशनल. तो मतलब इरोटेशनैलिटी की एक और इक्वेशन आ गई आपके, ऑल्दो ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, ये कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, बट अगर कंटिन्यू सेटिस्फाई हो गई तो फाई एग्जिस्ट करता है, मतलब फाई रियल नहीं, फाई फेक नहीं है, फाई रियल है, और फाई अगर रियल है तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी को और कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी को सेटिस्फाई करता है. मैंने ओमेगा सेट से बताया, ओमेगा एस ओमेगा वाई से भी ट्राई कर लीजिएगा, सीन जीरो आंसर. This is the important point. अच्छा, अब एक बात, क्या एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों के दिमाग में, क्या मतलब इस स्ट्रिंग फंक्शन सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ रोटेशनलिटी, ये भी चेक कर दो. कैसे चेक करोगे? ओमेगा जेड इक्वल टू हाफ डेल बाय डेल एक्स डेल वाई का वी एक्स का यू
तो हम जानते हैं स्ट्रीम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है माइनस वी और वाई के साथ जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो यू होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डेल साई स्क्वायर माइनस डेल साई मतलब डेल स्क्वायर साई, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये ट्रू होगा तो फ्लो क्या होगा, इरोटेशन। इफ दिस इज ट्रू तो भाई कंडीशन ऑफ इरोटेशनलिटी क्या क्या आ गई आपके पास, एक लिस्ट बना लो, ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत सारे। पहला कंडीशंस ऑफ इरोटेशन, सबसे बेसिक तो फ्रेंड्स यही है, ओमेगा आपका जीरो होना चाहिए। दूसरा ओमेगा के फॉर्म में नहीं हुआ तो कल के फॉर्म में जीरो हो जाएगा, कल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है ना, दिस इज वोर्टिसिटी वेक्टर। तीसरा आपने देखा लाप्लाशियन ऑफ फाइ जीरो हो जाए। चौथा आपने देखा लाप्लाशियन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, तो स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के लाप्लाशियन की इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फ्लो रोटेशन। ये आपसे कॉम्पिटिटिव में या तो पूछे गए हैं या आगे आने वाले पूछे गए। लास्ट दो टॉपिक और बचे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल क्या। देखिए अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है टू डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल के लिए, करेक्ट। और ये भाई हमारे एप्लीकेबल है थ्री डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल, तो रिलेशन तो तभी बनेगा किसके लिए, जब फ्लो टू डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल। जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो टू डायमेंशन इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ठीक है, हम निकाल चुके हैं। ये देखो डी साई आपका क्या होगा, डेल चेंज इन एक्स इनटू डी एक्स प्लस चेंज इन वाई, करेक्ट। अब अगर मैं साई इक्वल टू कांस्टेंट लाइन लिखना चाहूं तो हो जाएगा माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी वाई इक्वल टू जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स फॉर साई इक्वल टू कांस्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स फॉर साई इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू उधर चला जाए V by अब अगर आप यहां देखें डेल साई डेल फाई, सिमिलरली मैं डेल फाई भी लिख सकता हूं, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी फाई, सॉरी ये डी फाई टोटल है ना। फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन अगर मुझे लिखनी है तो वो क्या होगी, जीरो इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस यू डी एक्स इक्वल टू वी डी वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस यू, दिस इज फॉर फाई इक्वल टू। तो अगर आप देखें यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ
phi equal to constant और dy by dx upon stream function equal ये है slope of तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें क्या है dy by dx u by minus u और वो क्या है v by तो क्या माइनस बट नॉट ऑलवेज ये याद रखिए ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस चीज को समझना है ये ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है ये तब ट्रू है व्हेन v इज नॉट इक्वल टू जीरो u इज नॉट मतलब व्हेन v एंड u आर zero then flow is stagnant stagnant मतलब रुका हुआ उस location पे flow velocity zero then product of slope is not equal to minus one तब product का slope minus one नहीं है मतलब ये हुआ इसका सीधा सीधा जब दो टेंजेंट्स का दो कर्व है इनके टेंजेंट्स का स्लोप माइनस वन है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है और जब टेंजेंट्स व्हेन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर व्हेन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर कर्व्स आर तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि phi इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड psi इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट स्टैग्नेशन पॉइंट पे ये ट्रू नहीं ये गेट का में पूछा गया है सवाल है और बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है कि वो लिख देते हैं कि इट इज ट्रू एवरीवेयर बट इट इज नॉट है ना ये हमेशा ट्रू नहीं होता इट इज ओनली ट्रू व्हेन द फ्लो इज नॉट स्टैग्नेंट एट अ लोकेशन इसे आप कह सकते हो लेट्स से phi इक्वल टू कांस्टेंट तो ये कुछ बातें थी और अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जो गेट में इस तरह का आता है मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन से गेट के एक बार हम देख लेते हैं इसे बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये गेट में और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है आप उसे परचेज करें चाहे मेडिजी करें चाहे एस की करें चाहे आईएएस मास्टर की कहूंगा कि हर एक फ्रेंड के पास एक एक बुक होना चाहिए ताकि किसी को भी किसी के सॉल्यूशन में दिक्कत आए तो वो एक दूसरे से रेफर कर सके अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम बुलवाई है बुक मैं देखता हूँ इसको कैसी ये भी दिख तो बड़ी अच्छी है आईएएस मास्टर मैंने जो आईएएस मास्टर की दो बुक्स चेक करने के लिए एप्टीट्यूड का तो मुझे कोई पर्सनली काम नहीं है ठीक है बट मुझे मुझे इनकी मैथ की बुक बहुत अच्छी लगती है मतलब बच्चों मैंने देखी थी जब इनकी मैथ की बुक मुझे तो देखो पर्सनली मैंने तो कभी रेफर नहीं करी क्योंकि मुझे कोई काम नहीं पड़ा इसका ठीक है बट स्टूडेंट्स का फीडबैक आया था मैथ की बुक का तो चूंकि मैथ की बुक का अच्छा फीडबैक आया था तो मैं एफटी की और ये भी बुक परचेज किया हूँ एफटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है बट ठीक है जस्ट देखने के हिसाब से कि बुक कैसी है कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा सॉल्व करके देखूंगा एरर वेरर तो नहीं है इसमें तो रिकमेंड करूंगा अभी सॉल्व नहीं करिए नहीं नहीं ठीक है और
ये बुक भी ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट बुक में सॉल्यूशन बहुत एग्जॉस्टिव दिए हैं, ये बात जरूर है। अब वो कितने करेक्ट है कितने करेक्ट नहीं है, अभी कल ही आया है मेरे पास ये, तो मैं देखता हूँ, कल परसों ही आया, दो तीन दिन नहीं हुआ शायद। अब वो कुछ मुझे पता है, कुछ बुक का लेवल चेक करना होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है, मुझे पता है मैकेनिकल में 20-25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, जिसके सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल नहीं, अगर इस बुक में वो अवेलेबल होंगे तो फिर मैं इस बुक को आपको रिकमेंड करूंगा कि नहीं है वाकई में अच्छा लिखा है। अब जैसे ये बुक में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा था जो मैंने आपको बताया, ये तो गलत निकला, उसमें लिखा हुआ था कि ऑर्थोगोनलिटी फॉर पॉइंट्स, बट ऐसा नहीं है, ये सही है। पर ठीक है, एक इतनी छोटी गलती का गलतियां हो जाती है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल भी हो जाती है और कभी कभी कैजुअली भी हो जाती है, तो सिर्फ एक चीज के पैरामीटर से मैं इस बुक को गलत नहीं कहूंगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी बुक्स एक एक करके परचेस कर लें आप ग्रुप में, जैसे दो तीन दोस्त एक जो गाँव में रहते हैं या एक हॉस्टल में रहते हैं या एक रूम पे रहते हैं, वो अलग अलग बुक्स ऑर्डर करें और बस इसको सॉल्व करना है आपको, ये सी कोई सी भी बुक है ना, आपको उसको पूरा सॉल्व करना है और कर लोगे यार आप लोग, वैसे ही आप लोग अच्छे मतलब समझदार हो है ना, और उसके बाद से आपका रिवीजन भी हो चुका है आप सब्जेक्ट का मेरे थ्रू गेट ओरिएंटेड, तो आप करने बैठोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, यही तो समय है। सॉम खत्म करो, सॉम के डाउट ही नहीं आते हैं आपके मेरे पास, सॉम का तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बच्चा पता ही नहीं चलता है, तो सॉम करो साथ साथ में और एफएम करो साथ साथ। और आपका मैथ तो थोड़ा सा पेंडिंग है कॉलेज की तरफ से, ठीक है हो जाएगा बहुत जल्दी, ये कब स्टार्ट करना है उसको, मे बी एक आध वीक में हो सकता है दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाए आपका, ठीक है। तो अभी बोलते हैं कि फाई एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल If phi exists for u equal to ax square minus y square b equal to minus 2xy w equal to, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि तीनों किताब आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर गेट की क्वेश्चन की बुक, प्रीवियस ईयर मैथ की क्वेश्चन की बुक और प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड की बुक, ये तीनों बुक होना चाहिए और ये तीनों बुक सॉल्व करना है। अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट अभी इस शॉर्ट टाइम में तो यही कर सकते हो, और दो तीन एक ऐसा नहीं एक बार सॉल्व कर लिया काम हो जाएगा, दो चार बार जितनी बार सॉल्व करोगे उतना बेटर है, आप लोगों को कम बार करना पड़ेगा बट फिर भी करना तो पड़ेगा, एक बार से ज्यादा बार करना पड़ेगा। आपको फाई निकाल, फाई के लिए डेल यू अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स आप जानते हो क्या होता है, यू होता है विच इज ए एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव में ध्यान रखिए, पार्शियल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x क्या है वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, इसमें y कांस्टेंट है, करे होंगे यार ये इजी चीज है सर, तो ये फाई आ जाएगा आपका यहाँ से ए एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस ए वाई स्क्वायर, है ना, वाई कॉन्स्टेंट है प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, वो कॉन्स्टेंट वाई भी हो सकता है सब फंक्शन ऑफ वाई प्लस सब कॉन्स्टेंट है। कि कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो भाई y का फंक्शन भी तो आ सकता है क्योंकि y कांस्टेंट है, अब एक काम करो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू ए वाई और ये हो जाएगा आपका एम डैश वाई, और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू वी, वी क्या है आपका माइनस टू एक्स वाई, फाई निकालना है तो मुझे ये टर्म निकालनी पड़ेगी,
v माइनस टू एक्स वाई है, माइनस टू एक्स वाई है तो यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर x आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर x आएगा, x माइनस f डैश y आपका जीरो होता है, मतलब f dash y जीरो है, मतलब f y कांस्टेंट है आपका, मतलब y का फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया, तो phi आ गया आपका ax क्यूब बाय 3 माइनस ay स्क्वायर x प्लस सम कांस्टेंट, ऐसे कर सकते हो। तो इसका अल्टरनेट तरीका ये भी है कि आपने फाई निकाल लिया इस तरीके से, फिर आप एक तरीके यहां से भी फाई निकाल लो, आपको दिया हुआ है ना अभी, देखो एक तो आपका फाई आ गया इस तरीके से, और ये इक्वेशन है आपके पास, तो यहां पर आपका डेल फाई अपॉन डेल वाई v के बराबर, और v है आपका माइनस टू है, तो इसको फिर इंटीग्रेट कर दो तो फाइ आ जाएगा माइनस टू ए एक्स वाई स्क्वायर बाय टू प्लस अ फंक्शन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये दोनों फाइ सेम ही तो हैं, ये वाला फाइ और ये वाला फाइ सेम ही है, कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे किसी भी एक को ले लो, इसको ले लो ax क्यूब अपॉन 3 माइनस ay स्क्वायर x प्लस, इसमें कोई फंक्शन ऑफ y है नहीं तो जीरो हो जाएगा, ऐसे कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गेट में, और जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि आपको फाई दिया हुआ है, ये भी फिर थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन में पूछते हैं तो साई निकालिए करके देखिएगा, ऐसे साई की वैल्यू आएगी इसमें, चलिए अभी करके देखिए फिर आंसर दूंगा मैं, 5 मिनट देता हूँ करके देखिए समझ में आएगा कैसे करना, मैं तो क्वेश्चन निकाल देता हूँ और कुछ मन में
यू निकाल लीजिए सबसे पहले, यू क्या होगा आपका डेल्फाई अपॉन डेलेक्स, और डेल्फाई अपॉन डेलेक्स अगर आप करोगे तो वाई प्लस टू एक्स, और बी आएगा आपका डेल्फाई अपॉन डेल वाई वाई माइनस टू वाई। बस अब आपका यू और बी आ गया है तो ये होगा आपका डेल साई अपॉन देन यहाँ से यू है वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल वाई, तो साई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। Similarly, v equal to minus del psi by del y, del x, etc. v है आपका y minus 2y equal to minus del psi, del x. Psi आ जाएगा आपका y minus 2y. Square by 2 minus 2xy plus function of xy plus some constant. और एक मिनट, ये है आपका माइनस, तो ये माइनस एक्स, तो ये दोनों टर्म कॉमन है, फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो ये रहा, फंक्शन ऑफ वाई चाहिए तो ये, तो मिला के लिख दो 2xy plus y square by 2 minus x square by 2 plus some constant. Yeah, you have a stream now. This is a question. Famous exam. ठीक है, काफी इतना, आप जीके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर बुक से, ठीक है, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिए। अगले हफ्ते क्या करना है बताइए, कुछ कॉलेज से इंफॉर्मेशन मिली है आपके? अभी कोई इंफॉर्मेशन आई है वेकेशंस की, कब से है? आई थिंक थर्सडे से तो होगी आपकी वेकेशन, तो मुझे बताओ क्लास आपकी अगले वीक इवनिंग में ही रखना पड़ेगी फिर,
इवनिंग में रखे क्लास आपकी मॉर्निंग में रखना है, कब रखना है क्लासेस? ग्रुप पे डिसाइड कर लें एक बार। मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे तो नहीं हो पाएगा क्लास, क्योंकि पता है थर्सडे फ्राइडे दो दिन रख सकते हैं क्लास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रख सकते हैं क्लास। दिवाली सैटरडे की है ना, थर्सडे फ्राइडे संडे रख सकते हैं, यहाँ बोलो तो छुट्टी भी रख सकते हैं, जैसा करना। ठीक है, फिर मैं डिसाइड करके बता दूंगा अगर आपसे। यार मॉर्निंग में वैसे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम आती है, मॉर्निंग में बच्चे कंफर्टेबल कम, दो दिन तुम्हारे, तीन दिन तुमको इवनिंग में पढ़ाया, स्ट्रेंथ थी तुम्हारी क्लास की। मॉर्निंग में बच्चे नहीं आ पाते हैं, मॉर्निंग में वैसे भी इंजीनियर्स या मोस्ट ऑफ द टाइम 80% लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सी टू इट की मॉर्निंग रखना इवनिंग, क्योंकि हाँ अभी अगले हफ्ते तो मॉर्निंग ही होगा, क्योंकि फिर फेस्टिवल है तो शाम को तो सभी लोग फेस्टिवल में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कहीं आना है जाना है जो भी करना है व्हाटएवर इट इज, तो अगले वीक तो मॉर्निंग में ही रखना पड़ेगी क्लास अगर रहती है तो। सी टू इट की क्लास रखना है क्योंकि आपके पास वर्कलोड है अच्छा खास, आप सॉम की बुक सॉल्व करें प्रीवियस ईयर की और आप एफएम की प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्व करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और एप्टीट्यूड की बुक भी परचेज करके उसको सॉल्व करना चालू करना, समय बर्बाद ना करें अपना, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस फेस्टिवल। तभी जाकर काम होगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि अब